अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। लोग कहते हैं कि खुश रहो, लेकिन मजाल है कि खुश रहने दें। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगती जनाब, एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। सोच भले ही नई रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान वाले ही होते हैं। घोड़ा प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा हो, और उसी तरह परिवार वही आगे बढ़ता है जहां मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो, अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वो उतना ही खतरनाक होता है। रिश्ते तितलियों जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, और अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ जाते हैं। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान है जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हों। मतलब ही दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित ही हो जाती है। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वो हमें बुरा ही समझे। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत और शब्दों में फिसलना मत। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहां तक लाया है आगे भी ले जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। ईश्वर दे तो कोई छीन नहीं सकता, और वो छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। जिंदगी जला दी हमने जब जैसे जलानी थी, अब धुएं पर तमाशा कैसा और राख पर बहस कैसी। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल से एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूं तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। एक कहावत है कि मेढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बिठा दो, पर छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। सच और झूठ बोलने वाले चेहरों को परखना सीख लो, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होंगे ना, तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूटेंगे। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता जनाब, फिर यह तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर कोई यह नहीं बोलता कि मैं भी मतलबी हूं। अजीब साल रहा यह,
किसी के सपने ले गया, किसी के अपने ले गया। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। एक झूठ तुमसे 100 झूठ बुलवाएगा, परंतु तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे, ऐसे लोग बहुत कम ही आते हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं, सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करें, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरे रिश्तेदार बैठे हैं। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा रुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। सुना था दर्द का एहसास अपनों को होता है, पर जब दर्द ही अपने दे तो एहसास कौन करे। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी, फिर भी हम जी रहे हैं बरसों से इस तमन्ना में कि मुश्किलें जो आज है शायद कल नहीं होंगी। शब्द और व्यक्तित्व एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हम हमेशा सही होते हैं, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, ये तो कर्म की बात है। दूसरों की छाओं में खड़े होकर तुम अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई बनाने के लिए तुम्हें स्वयं धूप में खड़ा होना पड़ेगा। अशांत तुम इसलिए हो जो गैर जरूरी नहीं है, तुम उन्हीं के पीछे पड़े हो। जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितने छेद क्यों ना, जिसको उसे बजाना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्तों में बात तो होती है, मगर रिश्ते में वह बात नहीं होती। झूठ बोलकर तो हम भी दरिया पार कर जाते, मगर हमको डुबा दिया हमारी सच बोलने की आदत ने। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। शीशे जैसे साफ दिल तो हमेशा तोड़े जाते हैं, भावुक लोगों से कहां प्यार के रिश्ते जोड़े जाते हैं। जिस तरह जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है, जीवन भी यही है। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर कर लेना। कौन चाहता है खुद को बदलना? किसी को नफरत तो किसी को प्यार बदल देता है। पके हुए फल की 3 पहचान होती है, एक तो वो नरम होता है, दूसरा वह मीठा होता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली, उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है, और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है, जो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। जो तुम्हें अनदेखा करे तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में अपना कौन। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना किस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। कड़वा है पर सच यही है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से तो मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं,
ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है।